हाय नमस्ते, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरे साथ आज उत्कर्ष। हाय। और ये आप पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं, ये बैजलों का नज़ारा है दोस्तों। सुबह सुबह का टाइम है, सुबह 6 बज रहे हैं और मौसम बड़ा सेंटी है, ठंडा ठंडा मौसम है ये देखो। और ये हम बैजलों के दूसरे साइड पे हैं, यहाँ जो है यात्री साइड बना है, ये नया वाला देखिए आप। पीछे नदी, नयार नदी। आपको बताना भूल गया दोस्तों, आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? जसपुर। जसपुर, जसपुर खाल। हमने सुना है काफ़ी खूबसूरत जगह है, इसलिए हम घूमने जा रहे हैं वहाँ। और क्या करेंगे? व्लॉगिंग करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे आपको वीडियो। बिल्कुल, और आप हमारे साथ जुड़े रहें, जसपुर दिखाएंगे अच्छे से। ओके, जसपुर दिखाएंगे। और हमारे साथ जो है, हम मिलाते हैं आपको अपने मामा जी से, दीपेश मामा जी। तो दीपेश मामा जी की गाड़ी में हम घूमने जा रहे हैं जसपुर खाल मेरे और उत्कर्ष के साथ, जो है हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं अर्जुन भाई, जो कि बैजरो रहते हैं और उनका यूट्यूब चैनल है AJ प्रोडक्शन। वो भी आते होंगे, जैसे आएंगे हम आपको मिलाएंगे। बाय द वे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, और बने रहे हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो, और कमेंट जरूर करें करो यारो, शेयर तो जरूर करना। कमेंट से ही पता चलता है कि हमारी वीडियो अच्छी बन रही है नहीं बन रही है, आप हमें पसंद करते नहीं करते। पसंद तो आप बहुत करते हैं क्योंकि आपके सपोर्ट से यहाँ तक पहुँचे हम, और हमारे साथ वीडियो में आप बने रहे हैं, आपको बहुत अच्छे अच्छे लोकेशन दिखाएंगे। ये यात्री सेट पर भी चढ़ के देखते हैं एक बार कैसा अभी है ना। चलो चलो चलो, यात्री सेट चलते हैं। ये बैजरों के पलछाल जो है, बोले तो दूसरे साइड, ये यात्री सेट बना है, ये देखिए, और डबल स्टोरी का बना है ये। ग्राम मटेला, श्रीमती शांति देवी, माननीय अध्यक्ष, जिला पंचायत पौड़ी। और ये दोस्तों नीचे मटेला गांव, वो नीचे PWD के हाउस है, नीचे नयार नदी। बहुत ही खूबसूरत दृश्य सुबह सुबह। मटेला गांव की जो है खेती, और वो पल्ली तरफ जो है बैजरो मार्केट। आप बने रहें, बैजरो मार्केट भी दिखाते हैं आपको। मटेला गांव, और वो जो दूसरे साइड देख रहे हैं आप, ये है बैजरो बाजार। सुबह सुबह का टाइम है, हल्की हल्की धुंध लगी हुई है और मौसम भी बहुत ठंडा हो रहा है। आज गुरु नानक पर्व है, इसलिए स्कूलों की छुट्टी है। स्कूल की छुट्टी थी तो इस वजह से हमने प्रोग्राम बनाया, तो मैंने कहा उत्कर्ष को चलो भाई मेरे साथ घूम कर आते हैं और आपके लिए एक अच्छे से जो है वीडियो भी बना लेते हैं। आप बने रहे हमारे साथ, जैसे जो है अजय भाई आएगा तो हम आपको मिलाते हैं उनसे। उनके यूट्यूब चैनल पे भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं। तू है कहाँ, डूबे वो ही
दोस्तों देखो कितने अच्छे बेंचेस लगा रखे इन्होंने, नीचे फ्लोर टाइल्स भी बहुत बढ़िया है। सुकून के पल बिताने के लिए आप यहाँ आ सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ आ सकते हैं। यहाँ से देखो आप कितना अच्छा व्यू आ रहा है, नीचे नयार नदी है और मॉर्निंग टाइम है। चलिए इससे ऊपर वाले फ्लोर में चलते हैं, फिर उसे भी देखते हैं कैसा है। ये जोंटी मामा जी की गाड़ी, वो सामने मटेला गांव, नीचे शिव मंदिर। और यहाँ भी जो है फ्लोर टाइल्स लगा रखी हैं, सीटिंग का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। उत्कर्ष कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है, वाकई मजा आ रहा है। छुट्टी का मजा लेते हुए उत्कर्ष जी, तो ये है दोस्तों बैजरो का खूबसूरत नज़ारा मटेले गांव का। या मेरे पीछे देखें नयार नदी, और ये पीछे देखें मटेला और बैजरो मार्केट। हाय गाइस, ठीक है? फाइनली हमारे जो हैं अजय भाई आ गए, अर्जुन भाई सॉरी, मिलो आप, मिलो। गुड मॉर्निंग। आप जो हैं अर्जुन भाई हैं, बैजरो रहते हैं, और आपका चैनल एजे प्रोडक्शन बैजरो, आप जरूर वॉच करें। तो फिर गाड़ी में बैठते हैं और चलते हैं, देखते हैं फिर आगे क्या क्या होता है। आज हम सब घूमने जा रहे हैं एक साथ घूमने जा रहे हैं। ओके, और बैठो। तो हम गाड़ी पे बैठ गए गाइस, आप बने रहे, पहाड़ों के खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे आपको दिखाते हैं। ये रूट वैसे भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी को ये मिल गया कि भाई चलो ले जाओ, हम निकाल रहे। बिल्कुल अच्छा मैसेज चला गया, मैसेज चला गया, हर बंदा पढ़ा लिखा है। हाँ हम किसी नए माहौल में जाते हैं तो एकदम थम नहीं पाते भाई जी। अब जंगली मुर्गे को लिया घर में, वो थोड़ा ठीक है।
है गाइस, हम पहुंच गए अब चौखाल। ये बैदरो से कितना किलोमीटर है? तेरह किलोमीटर आ गए हम बैजरों से। 13 किलोमीटर आ गए हम चौखाल। महीने बड़ी बहुत लड़ी ब्यो हुई एक पंची की बैठ सारी यही हो रही है।
हाय गाइस, हम अभी रुके हैं ये जसपुर खाल से 2-3 किलोमीटर पहले। ये जसपुर खाल है, मार्केट है जसपुर खाल की। ये साथ में छोटे छोटे से गांव और ये जसपुर खाल की बेल्ट आप देखिए पीछे, पहाड़ियाँ देखिए आप, घनघोर जंगल, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, नीचे देवदार के पेड़।